तीर मल ते ओदा मसंद शिया मनिया पर मनिया बदमाश सी शिया शिये ने गुरु तेग बहादुर साहब से गोली चला दी। संगत जी सचे पातशाह जी दे मथे च बजी जिवें बड़ी ढाल विच बज के तां निकल जावे। महाराज जी दे मथे मस्तक विच पाल विच गोली बजी ते इस तरह उपर निकल और उन्हां दुष्टां ने गुरु घर दा जो स्थान दे साजो समान सी ओ लुट लिया। लेके लुट को सुट करके करतारपुर नूं तुर पए। बाबे मखण शाह नूं लगा पता उस वेले गुरु का लाल करके सतगुरु जी नूं याद ना चलिया गया उसदे कोलों। उस गुरु के पप्पर शेर ने महाराज सच्चे पातशाह जी दा धरके ध्यान उस वेले लैके शैल सबीले कबरुआं नूं नाल सत करतार दे गजा के नारे बैरी उत्ते हल्ला कर दे। शायर कहिंदा कहिंदा गोली शीहे ने चलाई जदों गुरा भाई मखण शाह दा सकिया सहारा ओने कथे करके सूरमे अल्लाह बोलिया क्या सत करतारा तार सी बंदूकां चलिया। संगत जी उत्थे अकबर सन चारे पासे अकबर सन शुरू हो गई। ओए पूजा खाने कच्चे पिले धीर मलिए जेड़े कहिंदे असीं लुट लिया जी असीं गुरु नूं पूजा खाने खड़े रोन तीर मलिए चले चारना योदा ने मारा पहला लुटे नाले कुटे ओदे जिने भी तीर मल दे आंगी साथी जिने मर दे ला बोलन वाले संगत जी ओना नु पहला कुटिया ते फेर ओना दा लुटिया दित्ते 21 दे 41 तारा फेर ढा के शीहे नु कसुन मुकी फेरया जिने गोली चलाई सी इन्ना क गुरु के उन्हें लोह बाणिया ने इन्ना कसुन फेरिया ना बेहोश हो गया बड़ा सूरमा बन के गुरु तेग बहादुर साहब के सन्मुख लैन ते आदि गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप ओ भी सीस ते सत्कार नाल संगत जी जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब का ओ भी लै आंदा नाल सत्कार। पर वेखो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों पईयां धुम्मां चारे पासे मोरां वालियां सारे कहण पल्ले ओए लवाणियो बाबे मखण शाह दे चलियो बलिहार बलिहार। पर सतगुरु जी ऐसे दयालु आ बचन किताबां विचों नहीं लभणे जिहड़ा कहण लगा महाराज कहिंदे मखण शाह ओ प्यारिया उन्हां भी अपने ते हल्ला बोलिया लुट घसुट कीती आपा भी कर ली मक्खन शाह जी आपा इस तरह नहीं करना जाओ उन सब कुछ मोड़ो बाबा जी दे महाराज उन्हां दा की है ये स्वरूप आप जी दा इहदे सहारे ते अपनी बिना ही मतलब गद्दी चलाई जांदे आ। महाराज कहिंदे कोई नहीं उन्हां दी दुकान चली जाण दा समां आएगा दसवें जामे सब कुछ प्रगट कर देंगे। बाबा जी इंज करते हैं आपा इत्थों चलना महाराज दे दर नूं सचखंड हरिमंदर साहब न्यासा एक वाह है इस भेट कर देने इतों आके अरदास करके सुनेहा कर दियो अरदास करके ये सारिया वस्तां लै जाए गुरु साहब का स्वरूप उत्थे गुरुद्वारा बनिया हुआ अमानत सर बाबा बकाला जथेबंदी बाबा दीप सिंह जी की मिसल शहीदा तरना दल अति सत्कार जो बाबा दया सिंह जी उत्थे सेवा निभा रहे हैं। संगत जी उत्थे स्वरूप जल विच गुरुद्वारा साहब दर्शन करिया करो मनसर साहब जांदे जल विच धर दिता सतगुरु जी का एक भी अंग भिजिया नहीं ओ आए अरदास करन मन ते नहीं सी उन्हां दा करदा भी सातवें ते अठवें पातशाह जी का भी नाम लईए पर अठवें महाराज ते अरदास करन नौवें पातशाह जी का नाम ना लैण ते कुछ भी दिसे ही ना ते किसे कहा ओए अकल दे अंधे हो किथे भुले फिरदे हो ओ गुरियाई दे मालिक ने ओ गुरियाई ते सुशोभित ने उन्हां दे प्रेम विच उन्हां नूं याद करके अरदास करो। जदों नौवें पातशाह जी का नाम लिया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन हो गए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु नौवें महाराज जी का नाम लैण तो ओ स्वरूप उन्हां को खैर दसवें महाराज जी ने घल्या सी बाबा दीप सिंह होरां नूं उन्हें कह दिता महाराज जानी जाने जी मुड़ के रच लो रचिया संगत जी आओ मैं गल लंबी ना करा आ इस घर दी क्योंकि समा रफ्तार नाल जा रहा भाई साहब कीर्तन भी करना उंज तरन्नम च कह दें दे दो लाइना
मेरे वीर बाबा लक्की शाह जी बारे, पर बाबा मक्खन शाह जी रुके नहीं, नाल ही रहे। अमृतसर साहब गए, मसंदा दरवाजे बंद किए। बाबा जी आदे मसंदो पुजारियो गुरु का हुक्म नहीं तो दरवाजे ते मैनू खलौने आउंदे सी, तुसी नक रगड़ रगड़ के खोल दे, पर महाराज कहते नहीं खलवाने दे। संगत जी लाड़ता पा के बाबा जी उतो तुर पे और सारे सेवक आसे पासे चुकिरते समर्पित हो गए। ओ फिर इस घर नाल सांझ पै गई ते बाबा लक्की शाह लाल किले विच रस्त दे के आ रहा सी, सरकार नाल बहुत वड्डी सांझ, सरकारे दरबारे राशन पहुंचाउंदे। बाबा लक्की शाह जी मुड़ के आए, आप बग्गी ते सवार सन ते गड्डे इन्हां दे भी हजारां, कईआं उत्ते लूण। आ मुक दी गल, जिहड़ी बग्गी है नाल नगाइया बाबा जी दा पुत्तर है, लक्की शाह ते नगाइया शाह। ओ बाबा नगाइया शाह नाल पिता जी की करिए, आंदे पुत्तरा आपां सेवल कमाउणीआं। दुष्ट औरंगजेब कड़क के बोलिआ, ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੜਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ, ਰੂਹ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਗੀ ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਧੜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਂਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਨ ਭੇਂਟ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਓਏ ਪਰ ਐਸੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੋ ਆਲਮ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਲਈ, ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ।